एवरीवन, वेलकम टू पनेला स्कूल। बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी की क्लास में ग्रामर। ग्रामर में बच्चों आज का हमारा टॉपिक है निबंध। ओके बच्चों, तो चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम पढ़ने वाले पहला निबंध हमारा है गाय का। गाय आपने देखी है, गाय का कौन कौन सा कलर होता है? गाय का कलर सफ़ेद होता है, काला होता है, भूरा होता है। ओके, तो हम गाय को देख के उसके बारे में हमको 5 से 6 वाक्य लिखने होते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लिखते हैं, पहला कहा गया है गाय एक पालतू पशु है, इसका दूध मीठा होता है। गाय संसार में हर जगह पाई जाती है, ये अनेक रंगों तथा प्रजातियों में पाई जाती है। खेतों में तथा जंगलों में उगने वाली हरी हरी घास ही इसका मुख्य चारा है, मतलब इसका भोजन है। ये क्या खाती है? चारा खाती है। इसका स्वभाव बड़ा सरल होता है, सभी पशुओं में गाय भोली भाली होती है। गाय का दूध सुपाच्य तथा स्वादिष्ट होता है। गाय का दूध बच्चों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब उसमें बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं। इसके दूध से दही बनता है, दही से मक्खन निकलता है। इसके दूध से बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन आदि तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है। गाय का गोबर बहुत उपयोगी समझा जाता है, इससे लोग अपने घरों को लीपते पोतते हैं। इसके मूत्र को दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके गोबर से खाद बनती है, गोबर की खाद खेतों को उपजाऊ बनाती है। हिंदू जन इसकी पूजा करते हैं, इसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। फिर देखो बच्चों, उसी प्रकार दूसरा निबंध है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। देखा है आपने, हम सभी जनवरी 15 अगस्त को फहराते हैं, लहराते हैं। तो देखो बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज मतलब तिरंगा। तिरंगा इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। तो हम झंडे को देख कर भी हम इसके बारे में 3-4 वाक्य लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें कहा लिखा गया है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है, जो देश की शक्ति और साहस की प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी शांति और सत्यता की प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी पर बने नीले चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। आपने देखा है झंडे में सफ़ेद कलर होता है, उसके अंदर बीच में गोल चक्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अशोचक। यह सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। यह धर्म चक्र इस बात का प्रतीक है कि जीवन गतिमान है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। तिरंगे में के सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है, जो धरती की उभरता, विकास और परिवर्तनता, पवित्रता को प्रदर्शित करती है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 22 जुलाई 1947 को इस तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। फिर बच्चों देखो, दीपावली। दीपावली क्या है? दीपावली का त्यौहार है। तो देखो बच्चों, दीपावली में क्या होता है? दीपावली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार दशहरे के 20 दिन बाद आता है। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्यौहार श्री रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों द्वारा मनाया गया था। तब से लेकर हर साल यह त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली के 6 दिन पहले दुकानों तथा घरों की सफ़ेदी की जाती है। इस दिन दुकानदार अपनी दुकान सजाते हैं। सभी बाज़ारों में बहुत भीड़ होती है। बच्चों आपके भी घर में, आपके भी घर की साफ़ सफाई आपकी मम्मा करती होगी। नए नए कपड़े लाते हैं, नई नई मिठाइयाँ बनाते हैं आदि भी हम लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो इन 3 निबंध को आप पढ़ना और अपनी किताब हिंदी की नोटबुक ग्रामर में लिखना। ओके, बाय बाय।